पहले तो स्कूल इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 2 बजे तक शुरू होता था, 2 बजे ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद स्कूल आवर्स के बाद मैं घर जाती थी, फिर घर से मैं लाइब्रेरी आती थी अपनी स्टडीज़ को मतलब थोड़ा सा कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे आके मैं पढ़ती थी, बहुत ही काम एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता था, तो बड़ी स्मूथ मैनर में मुझे यहाँ पे पढ़ाई की जाती थी। रुतबा फ़ातिमा नेहरू फ्रॉम शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मैं शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स का, उसके बाद अपने स्कूल का, सबका बहुत रोल रहा है। सबने मुझे बहुत हेल्प की। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की, यहाँ पे आके भी मैंने स्टडी की। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जिसमें हम बहुत मतलब अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे आके भी मैं स्टडीज़ करती थी, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस अचीवमेंट में। पहले तो स्कूल इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 2 बजे तक शुरू होता था, 2 बजे ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद स्कूल आवर्स के बाद मैं घर जाती थी, फिर घर से मैं लाइब्रेरी आती थी अपनी स्टडीज़ को मतलब थोड़ा सा कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे आके मैं पढ़ती थी, बहुत ही काम एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता था, तो बड़ी स्मूथ मैनर में मुझे यहाँ पे पढ़ाई की जाती थी। आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई भी यहाँ पर दिया जाता है, वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस वगैरह फ़ोन से देखते हैं, जिससे मतलब हमें बहुत हेल्प होती है। उसके अलावा यहाँ पे बुक्स वगैरह ऊपर हैं जो जो बहुत हेल्पफुल प्रूव होती हैं मतलब स्टडीज़ में। कॉपरेशन हर जगह मतलब ऑलमोस्ट अच्छा ही था। लाइब्रेरी में भी बहुत कॉपरेट किया, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, हमें अच्छा रिस्पांस मिला, और ऐसे ही यहाँ पे स्टडीज़ करने में बहुत हेल्प हुई। स्कूल का भी बहुत रोल रहा, वहाँ पर भी जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हेल्प की, उन्होंने जो है फैकेलिटी अच्छी प्रोवाइड की और टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए, तो इसकी वजह से ये अचीवमेंट हासिल कर पाई। एफर्ट्स तो देने ही पड़ते हैं, चाहे फिर कोई भी काम हो, हर काम में एफर्ट्स लगते हैं, तो एफर्ट्स सबकी तरफ से थे। मैंने भी अपना मतलब अपने अपनी तरफ से जितना हो सका वो किया, तो आज रिजल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मा पापा नानू, उन्होंने हमेशा मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने दिए हैं और हमेशा बोला है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे एक्सेल करो। मैं स्कूल के बाद घर जाती थी, लेकिन वहाँ से मैं डायरेक्टली लाइब्रेरी आया करती थी। बहुत टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड करती थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही काम एनवायरनमेंट होता था, तो पढ़ाई करने में आसानी होती थी। पढ़ाई होती है, लेकिन ये बच्चे के अपने इंटेंशंस पे भी डिपेंड करता है, उसको किस तरीके से, कहाँ पे, किस एनवायरनमेंट में उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको अडेप्ट करना है। तो लाइब्रेरी बेसिकली ये ट्रेजर ऑफ बुक्स है, तो यहाँ पे पढ़ाई जो है उसको प्रायोरिटी देनी है बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पर पढ़ाई करने ही बच्चे आते हैं।
मैं यही कहूँगी, अगर आपको घर में डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है या कोई मुश्किल हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी स्टडीज़ के साथ घर में, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ पर ईजिली जो है आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल हैं और हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, तो हमें उनको अवेल करना चाहिए। अगर हमारे पास मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो उनको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। ऐसे ही लाइब्रेरी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, हमारे पास एक मतलब हमें इसको अवेल करना है ताकि हम अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर सकें। मैसेज यही रहेगा कि किसी भी एनवायरनमेंट में आप हो, बस अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो और आगे बढ़ते रहो।